नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। संगठित अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय योजना बनाने को लेकर पुलिस मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 5 राज्यों के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए। महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पंजाब के नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में पीलीभीत के पूरनपुर में छापा मारा है। एनआईए की टीम मंगलवार की सुबह कोतवाली पुलिस के साथ गांव अभयपुर माधोपुर निवासी आजाद सिंह के घर पहुंची। टीम ने घर के संदूकों के ताले तोड़कर तलाशी ली। इस कार्रवाई से गाँव में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा की भाजपा विधायक सुमित्रा कास्टेकर इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाली हैं। इसके लिए उन्होंने स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अपना फॉर्म भरा था, जिसका प्रवेश पत्र अब उन्हें जारी हो गया है। उत्तराखंड के छात्रों को आईएएस पीसीएस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब मुफ्त कोचिंग मिलेगी। उनके लिए हर जिले में पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना शुरू करने की घोषणा की है। सिवान में छापेमारी करने गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। वह हमला असाम थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में हुआ है। इस घटना में एक एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में थिएटर संस्कृत को फलने फूलने के लिए एक जीवन वातावरण विकसित किया जा रहा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के शिक्षा केंद्र एनएसडी में रंगमंच के माध्यम से बच्चों और नवोदित कलाकारों को परामर्श देने का हमारा प्रयास है। ऐसा एक केंद्र श्रीनगर में स्थापित किया गया है। भारतीय गीतकार जावेद अख्तर ने लाहौर में फैज फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को उसकी हरकतों पर आईना दिखाया है। जावेद अख्तर ने कहा कि मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ है, उसके हमलावर पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तमिलनाडु में आरएसएस की रैली से डीएमके सरकार इतनी घबराई हुई है कि उसे रोकने के लिए हर प्रयास कर रही। बीते दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस की रैली को मंजूरी दे दी है, जिस पर तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद का कहना है कि लोकतंत्र, तकनीकी विकास और मजबूत आर्थिक व्यवस्था के लिए भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन से निपटने के लिए भी दोनों देशों के संबंध अहम होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टूरेंट लाइन पर एक बार फिर झड़प का मामला सामने आया है। तालिबान द्वारा मुख्य व्यापारिक और क्रॉसिंग पॉइंट तोरखम गेट को बंद करने के बाद इस्लामिक अमीरात बलों और पाकिस्तानी सीमा रक्षकों के बीच झड़प शुरू हो गई है। टोलो न्यूज ने यह जानकारी दी है। साथ ही सीमा के दोनों तरफ से लोगों ने ऊपरी इलाके में मारपीट शुरू कर दी है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।